अस्सलामुअलैकुम सब दोस्तों को, उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू द चैनल कबूतर स्पोर्ट्स। चैनल के लिए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशंस ऑल ऑन कर लें ताकि जैसे ही हम वीडियो पोस्ट किया करें तो आपको वीडियो मिल जाया करें। आज की वीडियो जो है ये भी एक क्यूरेटिव उसके ऊपर हमने बनाई है, ठीक है, और ताकि हम आपको आगाह कर सकें, ये क्या कहते हैं, गाइड हैं इस बारे में कि जैसे अब ज़हरबाद का सीज़न आया हुआ था तो हमने कहा उसके ऊपर भी वीडियो बना देते हैं, मच्छर वगैरह निकले हैं तो हमने कहा उसके ऊपर एक वीडियो बना देते हैं। सबसे पहले आपको एक ये बच्चा हमारे पास इसका शो कराते हैं, इसके अभी तो इसको कम ही निकले हैं लेकिन निकले हुए हैं ज़हरबाद, लेकिन बहुत कम है पैरों के ऊपर, हम आपको दिखा देते हैं। पहले आपको बच्चे का शो कराते हैं, ये एक टैडी बच्चा हमारे पास, दिखाएं जी इसका एक दफ़ा शो कर लें सरसरी सा, ठीक है। ये आप इसके पर देख लें, दूसरा पर दिखा दें, तो ये आ गया इसका दूसरा पर, ठीक है। दुम दिखा दें, ये आ गई इसकी दुम, ठीक है। आँख दिखा दें, ऊपर करें आँख, तो ये आ गई इसकी आँख, ठीक है। पंजे दिखा दें, अच्छा पंजों के अंदर ये चीज़ है बेसिकली, ये जो आपको दिखा रहे हैं ना ये इसको ज़हरबाद निकला हुआ है, दूसरे पंजे में भी था थोड़ा छोटा सा, हाँ इसका अभी काम निकला क्योंकि हमने इसके ऊपर ना प्रिकॉशन ऐसी लगाई हुई हैं कि बड़ा मुश्किल है अभी कि ज़हरबाद हो। अब पहले आपको ये बता देते हैं कि जो ज़हरबाद है वो होता कैसे है और फिर उसके आपको इलाज अगर हो जाए तो आप उसका इलाज कैसे करते हैं, और ये भी बता देते हैं कि किस तरह से बचाव किया जा सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले ये है कि कोशिश यही की जाए कि बचाओ जो है वो इलाज से बेहतर है, ठीक है। तो उसकी अगर हम कोशिश करें कि मतलब जिस तरीके से हम उसको बचा सकते हैं बचा लें, तो बचाव का जो तरीका है उसके अंदर सबसे पहले ये है कि हमारा भी जैसे ओपन सेटअप है आप देख सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल ओपन सेटअप है, मच्छर वगैरह आ सकते हैं लेकिन इसमें मच्छर आते नहीं। उसकी वजह ये है कि हम इसके अंदर हफ्ते के अंदर तो जिस तरह आप देख सकते हैं कि हम इसके अंदर चार दिन बाद जो है स्प्रे कर देते हैं, ठीक है। स्प्रे के अलावा हम इसके अंदर ये भी करते हैं कि मोर्टीन स्प्रे जो है वो क्या कहते हैं उसका भी इस्तेमाल कर, मोर्टीन जो वो होती है कॉयल होती है हम उसका भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो वो जो मोर्टीन कॉयल है वो भी रख के मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह करते हैं। इस तरह आप देख सकते हैं ये हमने वो स्टैंड रखा हुआ है, आप इस तरह से ये स्टैंड रख लें और इसके ऊपर हमने ये कवर कर दिया ताकि कबूतर जो है इसको ना आके लगे, कॉयल इसके ऊपर लगा दें, ठीक है, कॉयल जो वो अंदर लग जाएगी और इसके ऊपर बेशक एक ईंट रख दें ताकि कबूतर जो है इसमें लग के वो इसको ख़राब ना करें। वापस चलते हैं, ठीक है। तो सबसे आगे चलते हैं इस बात पे कि इसकी वजह क्या, पहले तो हमने ये कर दिया कि हमने इसकी प्रिकॉशन ले ली कि किस तरीके से हम जो है ज़हरबाद से बचाव कर सकते हैं, ठीक है। और इनकी वजहों में वजह ये होती है कि मच्छर बेसिकली जो होता किस वजह से वो ये है कि मच्छर काटते हैं और गंदे दाने की वजह से। पहले हम कहते हैं कि मच्छर ये मच्छरों की बचाव के लिए बेसिकली हम ये वाले जो तरीका है ना ये इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। गंदे दाने की वजह से ये होता है कि वो अंदर जो होता है वो जिस्म के अंदर उनके ज़हरबाद निकल आता है और इस तरह का जो है ना वो बड़ों के अंदर ज़्यादा आता है, ठीक है। लेकिन बच्चों जो जिस्म के ऊपर निकलते हैं वो बच्चों को ज़्यादा इसलिए निकलते हैं क्योंकि उनकी स्किन जो है वो नंगी होती है, मच्छर आता है ऊपर बैठता है और काट लेता है, ठीक है। तो इससे उनके ऊपर वो ज़हरबाद निकल आता है उनको, ठीक है। तो मच्छर के बचाव का तरीका हमने आपको बता दिया, अच्छा। अब इसके बाद हम चलते हैं, अगर आपका हो ही जाए क्या कहते हैं ज़हरबाद हो गया बच्चों के अंदर तो आपने सबसे पहले ये कोशिश करनी है कि उसको छीलने की कोशिश नहीं करनी जब वो अभी निकला है, अगर आप छीलेंगे तो वो उसका ख़राब हो जाएगा और वो काफ़ी उसके लिए मसला क्रिएट करेगा। सबसे पहले आपने ये करना है कि आपने उसकी कोर्स शुरू कराना है दवाइयों का, तो दवाइयों में सबसे पहले आपको अमोक्सल दवाई, ये अमोक्सल है, ठीक है, ये कैप्सूल देना आप देख सकते हैं, ठीक है, ये इनको खिलाएं। उसके बाद आपने नोविडेट, ये आ गई नोविडेट, ठीक है, ये वाली दवाई इसको एक चौथाई हिस्सा, फिर निलस्टेड एक सीसी जो है ये आपने पिलाया करना है, ठीक है, और मेट्रोडाइन सिरप जो है वो भी हमारे पास कुछ शॉर्ट है लेकिन मैं तस्वीर लगा देता हूँ ताकि आप देख लें, ठीक है। तो ये जो है इनको खिलाया करनी है, ठीक है। तो जब ये आप इसको खिलाएंगे इनका एक कोर्स शुरू करेंगे तो ज़हरबाद जो है ना वो पकना शुरू हो जाएगा और जब वो पका हो जाएगा फिर आप उसको खुरच के उतार लें, और जैसे ही उतारें तो आपने उसके ऊपर एक पेस्ट लगानी है थोम की और पिंकी की ना मिक्स करके, थोम को अच्छी तरह पीस के उसके अंदर पिंकी मिक्स करके
उसको आपने उसके ऊपर जब वो आप उसको कर देंगे तो वो क्लियर हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद आते हैं पोट के ज़हरबाद की तरफ। तो पोट के ज़हरबाद के लिए जो दवाइयाँ जैसे मैंने पहले बताई हैं, एक यही नोविडेट, ठीक है, ये खिलाएं, फिर ये वाली एमोक्सिल, ये भी खिलाएं, ठीक है। उसके अलावा मेट्रोडाइन सिरप, जैसे वो मैंने आपको बताया अभी हमारे पास भी शॉर्ट है। दूसरा ये है कि फ्लैजल, फ्लैजल जो गोली है वो उसका भी आप इसको खिलाएं, तो उससे ये होगा कि जो जिस्म के अंदर भी निकला हुआ है उसका ज़हरबाद वो भी इसका क्लियर हो जाएगा। अच्छा, बच्चों के लिए ये भी था कि जब ज़हरबाद उनको हो जाए, मतलब आप जब उनका दवाइयों का सिलसिला शुरू किया तो उसमें कोशिश करें कि उनको जब आप दाना वगैरह डालते हैं, तो अगर आपने दाना खिला दिया उनको तो उसके कोई 45 मिनट बाद ही उसको वो दवाई आप दें, क्योंकि अगर वो ताकि उसका कुछ दाना हज़म हो जाए, वरना अगर उसने वो दवाई खा ली तो उसने वो उल्टी कर देनी है सारी बार, बच्चा कमज़ोर हो जाएगा। बेहतर यह है कि पहले आप दवाई दे दें और उसके थोड़ी देर बाद आप उसको क्या कहते हैं दाना भी खिला दें। और दाने के अंदर यह है कि शुरू में आप उसको नरम दाना दें, जैसे पानी में डाल दिए चने और बाद में उसको खिला दिए, लेकिन उसके बाद हफ्ते बाद आप उसको आराम से सख्त दाना भी खिला सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ प्रिकॉशंस भी हो गई हैं और हमने आपको ये ज़हरबाद की वजूहात भी बता दी हैं और प्रिकॉशंस भी बता दी हैं। अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी चाहिए हो, आप हमारे साथ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं, ऊपर व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, वीडियो जो है थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन यह है कि इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। आगे मच्छरों का सीज़न भी आ रहा है तो कंट्रोल करना बड़ा ज़रूरी होता है। तो ये है कि अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक कर लें, चैनल के लिए नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो में मुलाकात होती है। ओके, अल्लाह हाफिज़।